नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग पर। तो आज आया हूँ मैं उत्तराखंड अपने गांव की साइड। तो अभी जा रहे हैं हम मौलेखाल, मैं और संदीप है। हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। तो चलते ऊपर की तरफ और दिखाते हैं आपको आज का मौलेखाल। बहुत चढ़ाई करने के बाद फिलहाल मैं थोड़ा टॉप पे आ चुका हूँ। तो आप सामने की तरफ देख सकते हो कितना बढ़िया खूबसूरत नज़ारा है, और नीचे वाइट कलर के आपको दो रोड दिख रही होंगी। तो ये हमारे कीचार वाले रास्ते से ऊपर कुमाड़ की तरफ जाते हो, शशि खाल के लिए जाते हैं यहाँ से। तो आइए चलते हैं ऊपर, ऊपर आपको और दिखाते हैं ऊपर का नज़ारा। तो मार्केट की तरफ जाएंगे। अच्छा आज बादल वादल लगे हुए, नहीं तो धूप में हाथों हाथ खा ले जाते हैं। बहुत केड़ी धूप पड़ती है यहाँ पर। तो ये हमारे गाँव में चढ़ के थोड़ा ऊपर माता का मंदिर है, जय हो माता। गेट है थोड़ा ऊपर चढ़ के आपको दिखाएंगे सूरत। जय हो, जय माता दी, जय माता दी करते जा और आगे बढ़ते जा। तो आप देख सकते कितना बिहारा बेहतरीन हो रहा है यहाँ पे फ्लावर से, और सामने धुआं आ रहा है। तो क्या है ना, गर्मियों में काफ़ी जगह आग भी लग जाती है। तो आप देख सकते सामने टॉप पे माता का मंदिर है, और ऊपर जाते तो आप देखो सामने ऊपर की तरफ हमें उस टॉप पे जाना। उस टॉप की भी ऊपर दुकान है, और ये खेतों में देख सकते हो आप खेती कर रखी है, वहाँ पे कपड़े पड़े लगाए सुअर वुअर से बचने के लिए। को पूरा 20 मिनट हो चुका है और अभी तक मैं ऊपर पहुँचा नहीं हूँ। सो गाइस ये देख सकते हो आप कितना बढ़िया व्यू आ रहा है यहाँ से। जंगल में कितनी आग लगती है यहाँ पे, और सारा जल के पूरा घनघोर जो जंगल है वो ऐसे ही खराब हो जाता है। तो गाइस सामने देखिए वहाँ नीचे घनघोर आग लगी हुई है। ये थोड़ी सी आग मिनटों में इतनी बढ़ जाती है कि सब तरफ लग जाती है। जो जानवर होते हैं इसीलिए घरों की तरफ आते हैं, क्योंकि जंगलों में आग लग जाती है। तो गाइस आप देख सकते हो ऊपर की तरफ भी। तो गाइस देख सकते हो पूरे चेहरे पर कितना पसीना हो गया, पीछे से शर्ट भी गीली हो गई, और आगे से भी। संदीप तो स्प्राइट पी रहा है। स्प्राइट पियो, पानी है बे, एक ही घूट पियो भाई। ऊपर तो कभी और चढ़ना नहीं तो नीचे रह जाएंगे। बहुत गंदी थकान लग गई है दोस्तों, बहुत ऊंचा यार। रोड बन जाएगी तो अपनी साइकिल लेके आऊंगा, उसी से आऊंगा। कितना हरा भरा पहाड़, और आग लगने के बाद, आग लगने के बाद कितना काला पहाड़, पहाड़ भी काले हो गए हैं गाइस, देख सकते हो आप। सो गाइस फाइनली हम थोड़ा आधे वाले पहाड़ पे आ गए हैं, बस एक ढैया और रह गया। तो देख सकते हैं कितना प्यारा डकार आ गए बिना खाए पिए। ये होते स्प्राइट वाली डका, खाली पेट भी खाया भी नहीं। आज मेरे व्रत भी है, पूजा है ना मेरे घर पे, तो आज मेरा व्रत भी। तो देख सकते हो अब ढैया के बीच में मेरे दोनों तरफ से, इधर से भी डाउन और इधर से भी डाउन, दोनों तरफ से बीच रास्ते में हूँ, ऊंचाई पे हूँ। बहुत ठंडी ठंडी हवा आते चल भी नहीं रही। मौसम देख सकते हो ऊपर कितनी धूप लगी हुई है, सामने की तरफ बहुत तकड़ी धूप लगी है। आ जा संदीप जल्दी चल, यहाँ पे डर भी लगता है, बट ये लोकेशन मेरे को तकड़ी लगी। यहाँ पे सबसे टॉप है, हाँ यहाँ बनाई थी ना हमने रील, तो यहाँ रील बनाने के लिए बहुत तकड़ी तकड़ी लोकेशन है।
थोड़ा सा हो रहे हैं बॉल की पकड़। सो गाइस थोड़ी सी दूरी और रह गई है और ये देख सकते हैं मेरे पीछे का नज़ारा और बहुत बेहतरीन नज़ारा है। और ये देख सकते हैं मेरे सर के ऊपर ये धूप और मैं धूप जब भी चढ़ा जा रहा नहीं तो बहुत दिक्कत होती है यार। ये इतना मैं ऐसा हो जाता हूँ बिल्कुल ब्लैक, तभी हम काले हो जाते हैं क्योंकि हम इतनी थकान को झेल नहीं पाते ना, तो हमारा फेस वगैरह सब काला पड़े। तो आपको मैं दिखाऊंगा कुछ लेडीज लोग और अम्मा लोग बैठे हुए, वो भी चढ़ाई करके थक गए देख सकते हैं सामने। चलते हैं इनके पास, पूछते हैं इनसे आगे छका थके चाहे लगे। ओहो बहुत गाइस डेफिनेटली हम अपने मार्केट के एरिया में पहुंच चुके हैं, मतलब इन द रोड पे पहुंच चुके हैं। और ये हमारा आप देख सकते हो, मैं दिखाता हूँ आपको, ये लिखा हुआ ग्राम पंचायत जाली खान चौपड़ी। तो देख सकते हो हम यहाँ पे, यहाँ से हमारी एंट्री है और यहीं से हम नीचे को जाते हैं। ये ओ देखो वहाँ से आ रहे हम नीचे टॉप टॉप से। तो बहुत चढ़ाई के बाद डेफिनेटली ऊपर आ चुका हूँ और अभी मेरे को यहाँ से सामान लेना है, सब्जी उब्जी लेना है। ये बस स्टॉप है हमारे, यहाँ से बस जाती है। और ये है हमारे अड़ियाल जी का दुकान। नमस्कार भैया, कैसे हो? बढ़िया। और सब बढ़िया? तो अभी हम आगे हैं अड़ियाल जी की दुकान पे सामान लेना सब। ये इनकी शॉप है, यहाँ सब्जी वगैरह सब चीज मिलती है। बस बढ़िया बढ़िया। और ब्लॉग बना रहा था आज, हाँ ब्लॉगिंग। तो सामान लेते हैं फिर मिलते आगे। तो गाइस अब हम कबरेडिये से अब जाएंगे हम मोले खाल की तरफ और दिखाएंगे आपको मोले खाल हम पहुंच चुके हैं। तो ये है मोले खाल का बोर्ड और ये पूरा मोले खाल आप देख सकते हैं कितना बढ़िया है यहाँ पे लोकेशन। चलते हैं आगे की तरफ और दिखाते हैं आपको मोले खाल का बेस्ट फास्ट फूड। तो यहाँ पर हम फास्ट फूड खाएँगे, चलते ऊपर की ओर। तो हम यहाँ पर गए तो हमने यहाँ पर फास्ट फूड खाया, बाकी लोगों ने खाया। मेरा तो वर्त था, मैंने खाली फ्रूट ही खाया, बाकी लोगों ने यहाँ पे छोले समोसे खाए थे। तो अभी हम यही इंजॉय करें, हमने काफ़ी इंजॉय किया यहाँ पे खाना खाया। तो मैंने तो फ्रूट खाया, एक एप्पल लेके आया था मैं, बस वही खाया। और बाकी लोगों ने छोले समोसे खाया, पंकज ने भी एप्पल ही खाया। तो गाइस यहाँ के छोले और समोसे बहुत अच्छे होते हैं, अगर आप आओगे तो कभी यहाँ पे खा के देखना, बहुत मज़ेदार है। और अब हम उतर गए हैं और चले आगे मार्केट की ओर। तो यहाँ का अच्छा मार्केट है और वेदर भी बढ़िया हो रहा था इसीलिए हम घूम पा रहे थे, वरना धूप बहुत तेज़ होती है। तो अभी हम पहुँच गए यहाँ पे, अब हम पहुँच गए MK गारमेंट्स में और यहाँ पे शादी से लेके सभी प्रकार के कपड़े मिलते हैं। तो बहुत बढ़िया फेमस है ये सेल्ट ब्लॉक में, काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं। तो मैं दिखाऊंगा MK गारमेंट्स और ये इनकी शॉप है, काफ़ी बढ़िया शॉप है ये, यहाँ पे आप देख सकते हो। और ये आप बैठते हैं, ये सब लोकेशन मस्त, मतलब यहाँ पे आपको हर वैरायटी के कपड़े मिलेंगे, शादी से लेके छोटे बच्चों से लेके। और ये इतने एरिया में इन्होंने बना रखा है और यहाँ से ठंडी हवा भी आती है, धूप भी आती है। और ये बाहर की तरफ आप देख सकते हैं कितने सारे यहाँ पे ड्रेसेस हैं, यहाँ पे आपको सभी ड्रेसेस मिली। तो हमने यहाँ पे से कुर्ता परचेस किया है भाई के लिए, तो देख रहा है फिटिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा। और फिर यहाँ से हमने
तो हमने परचेस कर ही लिया, एक कुर्ता परचेस कर ही लिया। अब चलेंगे फिर हम आगे की ओर और दिखाएंगे आपको न्यू ब्लॉग। तो मैंने सॉक्स लिए यार, मैंने सॉक्स लेकर पहन भी लिए। तो अभी हम आ गए हैं सल्ट ब्लॉक, ऑफिस है ये, और ये यहाँ से आगे जाएंगे। कुछ पेंट वगैरह भी हमको लेना है, और ये हमारे चंदू भाई की दुकान है, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे है। इनके पास इनका भी एक जनरल स्टोर है, यहाँ पे भी काफ़ी सामान मिलता है। ये हमारे चंदू भाई से करी हमने मुलाकात, फिर इसके बाद हम बाहर आए, और ये इनका मयंक जनरल स्टोर सल्ट में। और हम अब आ गए हैं थोड़ा आगे की तरफ, चलते हैं। ये आ गए हम दूसरे लोकेशन पे, और यहाँ पे बहुत बढ़िया व्यू आ रहा था, इसीलिए हम यहाँ पे रील्स बनाने लगे। तो मेरा भाई संदीप, दीपक और भतीजा पंकज, हम सब यहाँ पे रील बनाने लगे, क्योंकि बढ़िया लोकेशन था। तो चलो हमने रील भी बना ली। अब हमने पेंट की दुकान से पेंट कुछ सामान खरीद लिया। अब पंकज और हम निकल चुके हैं अपने घर की ओर। सो गाइस, यहाँ पे देसी बॉय की तरह हमने सारे कट्टे वट्टे उठा लिए हैं, थैले उठा लिए हैं। तो अभी मेरे हाथ पे एक ही थैला है, हम आगे जाके दूसरा थैला उठाएंगे, और ये व्यू देख सकते हो नीचे की तरफ। सो गाइस, यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, प्रॉब्लम हो गया, पोपट हो गया। पंकज दूसरा कट्टा उठा लाया, जिसमें कि गाय के लिए सामान रखा था, पत्ते वत्ते रखे थे और सड़े हुए खीरे थे। तो पंकज गलती से वो उठा लाया, अब पोपट हो गया। अब पंकज को दोबारा वहीं जाना पड़ेगा अपना कट्टा लेने के लिए। सो गाइस, अभी हम पहुंच गए हैं नीचे। और काफी मेहनत के साथ हमारे इतने सारे कट्टे, तो भाई साहब मेरे तो गर्दन भी दर्द हो रहा है। यहाँ कितना भी हीरो बनो, काम तो अपना काम तो खुद करना ही पड़ता है। और ये देखो सामने, ओह। सो गाइस, फाइनली पहुंच गए अपने घर पे, अपने गांव में। और ये है हमारी भाभी लोग का घर, और वो रहा सामान। बहुत कड़ाई और बहुत चढ़ाई के साथ फिर हम अपने घर में लौटे हैं। मतलब पानी तो देख रहे होंगे आप, कितना पसीना और शकल काली हो गई है। और अंकिता भी आ गई हमारे ब्लॉग में। तो अब हम पहुंच गए अपने घर पे, और अब फटाफट से सॉरी, इनसे बोला था कि जल्दी आना, लेकिन इन्होंने लेट कर दिया। लेकिन ये बहुत ज्यादा ब्रेव है, खाली पेट। अरे माइक ऑन भी मेरा, हां ऑन है। खाली पेट मेहनत के साथ, सामान के साथ आए हैं। तो इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पर। अब फटाफट पूजा की तैयारी होगी, यहाँ पे खाना पीना बनाया जाएगा, कटिंग वटिंग होगी, तो दिखाएंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग पर। ये ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं फिर। बाय बाय।